डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर फ्री टीचर, माय नेम इज नील अंजुम। आज हम लोग अमेरिका 18.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 18.1 और 2 हम लोगों ने कर लिया था, ये भी तकरीबन उसी तरह का न्यूमेरिकल है। इसका डेटा पढ़ रहा हूँ, कार्बन 14 है, हाफ लाइफ हो 5730 ईयर्स हाफ लाइफ है। इसको हम टी आर से तैयार करेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पर हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी, 1/8 लेंगे। इनिशियल क्वांटिटी जो हम लोग लेट करते होते हैं ओरिजिनल सैंपल, वो हम लोग एन नॉट इज इक्वल टू मान लेते होते हैं, और यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1/8 आप लिख लेते हैं। इसका मैं डेटा देखता हूँ, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन को हम टी आप से करेंगे, वो है 5730 ईयर्स। लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट को हम मानते हैं, हम करेंगे फ्रैक्चर ऑफ ओरिजिनल सैंपल एन इज इक्वल टू, वो हमें आ जाएगा 1/8 को 1/8 लिखेंगे। टोटल टाइम हमने टी निकालना है, वी नो दैट फार्मूला मैंने बताया था, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर टी आप, जिसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, टी इज इक्वल टू टी मल्टी है टी हाफ। हम लोग यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल समान टी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि टी हाफ तो गिवन है, कैपिटल टी फाइंड करना है, तो ये चीज़ हम नोन है, ये फाइंड करके इसको पुट कर लेंगे। सिंपल सा मेथड है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर टू टी, एन की वैल्यू 1/8 आ जाएगी, एन नॉट 1 और 2t वैसे का वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2t इज इक्वल टू 2^3 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई टी हाफ, टी की जगह 3 आ जाएगा, टी हाफ की वैल्यू 5730 ईयर्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1790 ईयर आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 0.4 डिग्री जब क्रॉस करके आएगा 10^4 आ जाएगा। इसका मतलब है टोटल टाइम जो होगा 1.72 × 10^4 क्या कर जाएगा, 18.54 न्यूमेरिकल है। एक्टिनियम 99 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड यूज टू डायग्नोज ब्रेन थायराइड लीवर एंड किडनी डिजीज। दिस एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ 6 ईयर, दैट देयर 200 मिलीग्राम ऑफ दिस एक्टिनियम प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 ईयर। ये न्यूमेरिकल उनसे डिफरेंट है, इसमें हमें अमाउंट ऑफ एक्टिनियम दी हुई है एंड नॉट 200 मिलीग्राम, जबकि हाफ लाइफ दी हुई है टी हाफ 6 ईयर। टोटल टाइम जो होता है वो 36 आवर्स है, मैंने आपको पहले बताया था, जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो टोटल टाइम, जो हाफ होगा वो कम होगी। और हम लोगों ने अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 6 हाफ लाइफ एंड मालूम करना है, हमें आपको ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग एन नॉट 1 लेफ्ट करते गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ओरिजिनल दी हुई है हाफ लाइफ, जो हमें 6 गुजरने के बाद एन मालूम करना है। फार्मूला क्या होगा हमारा, एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2t। तो इसमें से भी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, पहले हमने स्मॉल टी निकालना है, स्मॉल टी का फार्मूला होता है कैपिटल टी ओवर टी हाफ, कैपिटल टी 36 है, टी हाफ 6 है, डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2t, एन नॉट 200 है, 2^6 आ जाएगा, 200 2^64, तो ये आ जाएगा 3.12 मिलीग्राम। अब तक तो मैंने 3 और 4 न्यूमेरिकल किए हैं, इनमें तरीकाकार कुछ इस तरह है कि अगर आप लोगों को पहले टोटल टाइम निकालना हो तो फिर टी इक्वल टू टी मल्टीप्लाई टी हाफ वाला फार्मूला यूज करते हैं, जबकि अगर एन मालूम करना हो तो एन इक्वल टू एन नॉट ओवर 2t निकालते हैं। उसके बाद 18.5 न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 10 मिनट, इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट्स पर मिनट, फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट इज 23 काउंट्स पर मिनट। इसमें हमें हाफ टाइम दी हुई है 10 मिनट, इनिशियल काउंट रेट जो है 368। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसमें टाइम निकालना है, 368 जब हाफ टाइम गुजरेगा तो हो जाएगा 184 टाइम मिनट, फिर 10 मिनट गुजरने के बाद उसका हाफ 90 हो जाएगा, फिर 10 मिनट गुजरेंगे 46, इट मीन 3 मिनट गुजरेंगे 23 तक। हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमें उसमें वैल्यू दी हुई है 23 काउंट्स पर मिनट, अगर वो 12.5 रहता तो एक दफा में वो डिक्रीज करना पड़ता। अब यहाँ पर एक हाफ लाइफ 2 हो गई 3 और 4, हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल टाइम जो 10 मिनट है हाफ लाइफ उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टाइम डेटा निकालने का फार्मूला आ जाएगा 4 × 10 मिनट इज इक्वल टू 40 मिनट, या इस फार्मूले को हम ऐसे भी कर सकते थे, यानी टी इक्वल टू समार टी मल्टीप्लाई टी हाफ, नंबर ऑफ हाफ की 4 आई है, टाइम हाफ हमने 10 था, तो इस तरीके से भी ये 40 मिनट्स ही आएगा। अब तक मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल कराए, 18.3 18.4 और 18.5, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो
तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।